नई कार खरीदने वाले लोगों को इस बार सरकार बड़ा तोहफा देने की तैयारी में जाने कैसी। ऑटो स्क्रैपेज पॉलिसी लागू होते ही मैं 7 लाख में मिलेगी 10 लाख वाली कार। सरकार दे सकती है प्रोत्साहन। देश भर में 10 साल से 15 साल पुराने वाहनों की संख्या काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से देश में प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ रहा है। बढ़ते प्रदूषण के स्तर को कम करने और पुराने वाहनों को सड़क से हटाने के लिए सरकार ऑटो स्क्रैपेज पॉलिसी पर काम कर रही है। इस पॉलिसी के तहत लोगों को अपने पुराने वाहनों को बेचने और नए वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा और नए वाहनों की खरीद पर 30% का डिस्काउंट दिया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर मानिए कि ऑटो स्क्रैपेज पॉलिसी लागू होने के बाद आप कोई कार खरीदते हैं जिसकी कीमत 10 लाख रुपए है, तो इस कार पर 30% के हिसाब से आपको तकरीबन 3 लाख का डिस्काउंट मिल सकता है, जिसके बाद इस कार की कीमत 7 लाख हो जाएगी। इस नीति से न सिर्फ पर्यावरण प्रदूषण में कमी लाने में मदद मिलेगी, बल्कि ऑटोमोबाइल सेक्टर को भी फायदा होगा, क्योंकि मंदी और महामारी की वजह से ऑटोमोबाइल कंपनियों को काफी नुकसान हो चुका है। ऑटोमोबाइल सेक्टर भी ऑटो स्क्रैपेज पॉलिसी का समर्थन कर रहा है और ये जल्द ही भारत में लागू हो सकती है। अभी हाल ही में ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सालाना सत्र में बोलते हुए रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी ने कहा था कि ऑटो स्क्रैपेज पॉलिसी अपने आखिरी चरण में है और अगले महीने तक ये भारत में लागू हो सकती है। गडकरी ने कहा था कि केंद्र सरकार की मंजूरी मिलते ही इस पॉलिसी को देश भर में लागू कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि मौजूदा समय में देश भर में चल रहे पुराने वाहनों को सड़क से हटाने के लिए किसी भी तरह की नीति लागू नहीं है और यही वजह है कि तय समय अवधि पूरी होने के बावजूद लोग अपने पुराने वाहनों को सड़कों पर चलाते हैं। इस समय देश में पेट्रोल वाहन को 15 साल अधिकतम और डीजल वाहन को 10 साल अधिकतम चलाने की अनुमति है, लेकिन लोग इससे भी ज्यादा समय तक पुराने वाहनों का इस्तेमाल लगातार कर रहे हैं, जिससे प्रदूषण में इजाफा हो रहा है, क्योंकि पुराने वाहनों से ज्यादा प्रदूषण फैलता है। इस प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार अब जल्द ऑटो स्क्रैपेज पॉलिसी लागू करने वाली है। आप देख रहे हैं रश इंडिया न्यूज़, हर खबर सच्चाई के साथ।